ये लड़की जिसे आप देख सुन रहे हैं, इनका नाम तनिष्का है। तनिष्का ने नीट यूजी के एग्जाम को टॉप किया है और इसीलिए वो सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज पर छाई हुई हैं। काफी अच्छा लग रहा है, आप लोगों का भी इतना सपोर्ट रहा, तो जो भी जिन लोगों ने मुझ पे मेहनत की उसका रिजल्ट आया है आज। 11th तो लॉकडाउन में चली गई थी, मतलब मैं फेब में आई थी, 11th खत्म हो गई थी हमारी, 12th शुरू हो गई थी। तो जब 2-3 महीने में यहाँ पे कोटा में ऑफलाइन मैंने क्लास में बच्चों के साथ बैठ के पढ़ी मैं, तो मैंने खुद के अंदर एक इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा। मेरे मार्क्स अचानक से बढ़ गए थे, मतलब मैं पहले गोल ओरिएंटेड होके नहीं पढ़ रही थी, मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने वो सब छोड़ दिया था। फिर 12th में वापस से लॉकडाउन लगा तो सब टीचर्स को मैं पर्सनली जानने लग गई थी, तो मेरे जो कुछ वीक चैप्टर्स थे 11th क्लास के वो सब मैंने कवर कर लिए 12th। वही एग्जाम जिसका नतीजा कल यानी कि 7 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आ गया है। इस साल नीट यूजी में 9,93,069 स्टूडेंट्स पास हुए हैं और राजस्थान की तनिष्का ने टॉप किया है, जिन्हें अभी आप देख रहे थे। दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा को दूसरी रैंक मिली है, कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गंगुले को तीसरी, कर्नाटक की रुचा पावाशे को चौथी और तेलंगाना की एराबेली सिद्धार्थ राव ने 5वीं रैंक हासिल की है। तनिष्का के अलावा और टॉपर्स की कहानी के साथ ही हम इस एग्जाम और तमाम बातों पर चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं रंगरूट शो। इस बार की परीक्षा में देश भर से कुल 18,72,343 छात्रों ने रजिस्टर किया था और 17,64,571 छात्र परीक्षा में बैठे। वहीं 9,93,069 छात्रों ने ये परीक्षा पास की है। नीट यूजी परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों सहित 497 शहरों के 3,570 केंद्रों पर 17 जुलाई को आयोजित की गई थी। NTA ने नीट की प्रोविजनल आंसर की पिछले हफ्ते जारी की थी। छात्रों के पास 2 सितंबर तक इस पर असहमति जताने का समय था। रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की भी अब जारी कर दी गई है। NTA की माने तो इस साल हर कैटेगरी में नीट के कट ऑफ पिछले 3 साल में सबसे कम रहे हैं। इस साल एग्जाम में कुल रजिस्ट्रेशन के मुकाबले करीब 94.2% अटेंडेंस दर्ज की गई थी और इसमें से लगभग 56% यानी कि 56% छात्रों ने परीक्षा पास की है। नीट UG 2022 के रिजल्ट के अनुसार जनरल कैटेगरी में 715 में से 117 मार्क्स या इससे ऊपर लाने वाले मेडिकल कैंडिडेट्स ने परीक्षा पास की है, यानी कि कट ऑफ मार्क्स 117 रहे। वहीं बाकी सभी कैटेगरीज में भी कट ऑफ मार्क्स पिछले साल के मुकाबले कम रहे हैं। साल 2021 में नीट परीक्षा के अनारक्षित कैटेगरी का कट ऑफ 720 में से 138 मार्क्स रहा था, वहीं साल 2020 में ये 720 में से 147 मार्क्स था। अब 4 लोगों ने एक ही तरह के नंबर पाए तो फिर टॉपर एक कैसे हुआ? इधर 6 से 10 की रैंक पर भी सबके 710 अंक ही हैं, तो फिर इनकी रैंक अलग अलग कैसे है? यहाँ पर लगा टाई ब्रेकर फॉर्मूला। NTA का कहना है कि मेडिकल फील्ड में सीट्स की लिमिट के चलते एक ही रैंक पर एक से ज्यादा छात्रों को देना एडमिशन प्रोसेस को काफी कॉम्प्लिकेट कर देता है। पिछले साल पहली रैंक पर 3 स्टूडेंट्स थे, पर इस साल NTA ने नीट की टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला में नए बदलाव किए हैं, जिससे अब हर एक छात्र की रैंक अलग है। मार्क्स सेम होने के बावजूद तनिष्का को पहली रैंक नीट के टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला के चलते ही मिली। इस फॉर्मूला के मुताबिक सेम मार्क्स होने पर भी रैंकिंग सिस्टम में आगे वो छात्र होगा जिसके बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी और बॉटनी में ज्यादा मार्क्स होंगे। अगर यहाँ भी मार्क्स सेम होते हैं तो फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे और अगर वहाँ भी सेम हुए तो फिर फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे। इसके बाद सही गलत उत्तरों के आधार पर और उम्र के आधार पर, माने कि अधिक उम्र वाले कैंडिडेट को ऊपर रखा जाएगा और फिर नीट एप्लीकेशन नंबर में जो पहले होगा वो टाई जीतेगा और रैंक में आगे रहेगा। पिछले साल टाई ब्रेकर फॉर्मूला में इससे आधे पैमाने थे और 3 लोगों को पहली रैंक अलॉट करनी पड़ी, इसलिए इस बार NTA ने एक फुल प्रूफ टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला तैयार किया है। अब इन टेक्निकल डेटा वाली बातों के बीच फिर से हम थोड़ी सी ऊर्जा और उत्साह की बात करते हैं और सुनते हैं 10वीं रैंक पाए हुए हाजिक परवेज लोन को। ऑल इंडिया रैंक 10, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये एक्सपेक्टेड था आई विल गेट मार्क्स अराउंड 710, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 10 आएगी। ये देखने के बाद मैं काफी सरप्राइज हुआ, पेरेंट्स काफी सरप्राइज हुए और खुश हुए। हमारे टाइम पे क्या था, कोविड स्टार्ट हो गया था और वहाँ पर शिफ्ट था फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम थी। कश्मीर में यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन होते थे टाइम टू टाइम, उससे क्या होता था मेरे क्लासेस मिस होते थे और उसकी वजह से काफ़ी बैकलॉग रहता था। लेकिन मैं कंसिस्टेंट बहुत पहले से ही था, मैं पहले से ही बहुत हार्ड वर्क करता था। उसी कंसिस्टेंसी की वजह से उन हार्ड टाइम्स में भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है।
काउंसलिंग के लिए जरूरी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नीट यूजी के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग, एमसीसी, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी और वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया मुख्य रूप से कराएगी। आप नीट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में हिस्सा लेकर केंद्रीय मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न स्टेट के काउंसलिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं। नीट स्टेट काउंसलिंग के जरिए आपको उसी राज्य के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिल सकता है। देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे यानी कि AIQ के लिए रिजर्व होती हैं। बाकी 85% सीटों पर स्टेट कोटा के जरिए भर्ती होती है। 22 जून 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ऑल इंडिया कोटे की व्यवस्था लागू की थी ताकि राज्यों को उनकी सीमा में आने वाले मेडिकल कॉलेजों में डोमिसाइल और रेजिडेंस के आधार पर 100% सीटें रिजर्व करने से रोका जा सके, ताकि जहां अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां के मेधावी छात्र दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जा सके और उन्हें मौका मिल सके। हां, पर जम्मू और कश्मीर के उम्मीदवार नीट 2022 की ऑल इंडिया काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे उम्मीदवारों को नीट 2022 राज्य के कोटा माध्यम से आवेदन करना होगा। एक जरूरी टिप जो हमने पहले भी दी थी, आप अपने लिए कॉलेज और कोर्सेज के लिए प्रायोरिटी के आधार पर लिस्ट तैयार कर लें ताकि काउंसलिंग के समय आपको कॉलेज चुनने में और ज्यादा आसानी होगी। NIRF रैंकिंग साल 2022 के मुताबिक देश के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में एम्स दिल्ली सबसे ऊपर है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बैंगलोर, BHU वाराणसी, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, अमृता विश्वविद्यापीठ कोयम्बटूर, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल है। रिजल्ट आ गया है और तमाम जगहों से अच्छी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सारी तैयारियों और खुशखबरियों के बीच एक उदास खबर भी है। खबर यह है कि नीट परीक्षा में असफल होने पर ग्रेटर नोएडा में एक लड़की संपदा ने आत्महत्या कर ली। संपदा डॉक्टर बनना चाहती थी, सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन ललन टॉप और रंगरूट छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से बार बार ये आग्रह करता है कि एक परीक्षा या एक डिग्री आपके जीवन से ज्यादा जरूरी है, किसी भी हाल में है। इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे बहुत सारे साथी डॉक्टर बनने की तैयारी करके आज पत्रकार हैं, कुछ इंजीनियर हुए फिर वो भी हमारे साथ पत्रकार हैं। लोग कुछ होना चाहते हैं, नहीं हो पाए, लेकिन जीवन को उन्होंने भरपूर मौका दिया और देना भी चाहिए। संघर्षों को साधना जरूरी है, उनसे रास्ता निकालना जरूरी है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर घट रहे प्रेशर को समझना होगा, देखना होगा कि वो कितने सहज हैं या फिर कितने उदास, उन्हें पूरी शिद्दत से संभालना होगा। तो अगर आपका नीट परीक्षा में नहीं हो पाया है और आप पास नहीं हो पाए हैं तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, रास्ते बहुत सारे हैं जो हमने आपको कल के रंगरूट शो में भी बताए थे। अगर आप इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें लिखिए, कमेंट्स के जरिए बताइए या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पर टैग कर डालिए, हमसे सोशल मीडिया पर जुड़िए। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।